दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के विषय में लाया हूं खजूर कैसे खाना चाहिए और खजूर खाने के क्या फ़ायदे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों घंटी दबाना ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दोस्तों मुझे अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में अपनी बीमारियाँ दिक्कतें तकलीफें लिखें। मैं आप लोगों को फ्री में सलाह, फ्री में मार्गदर्शन और फ्री में दवाइयाँ बताता हूँ जो निःशुल्क होता है, तो आप इसका लाभ उठाएँ। चलिए दोस्तों मैं आज के विषय क्या लाया, मैं खजूर कौन खा सकता है, इसे खाने के क्या फ़ायदे हैं, किसे नहीं खाना चाहिए हैं, ये आप लोग बता रहा हूँ मैं। दोस्तों पहला नंबर, दोस्तों खजूर एक बहुत ही उम्दा किस्म का पौष्टिक भोजन है, इसे कोई भी यंग एडल्ट आदमी ले सकता है। इसे खाने के कई सारे तरीके होते हैं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, जो मरीज शुगर के मरीज़ हैं वो इसे कृपया न लें, बाकी कोई भी एडल्ट आदमी या कोई 8 साल से ऊपर का बच्चा इसे खा सकता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है, दूध में उबाल कर भी खाया जा सकता है, या पानी में भिगो कर आते रख दें, सुबह चबा चबा कर खा जाएँ, ऐसे भी खाया जाता है। इसके 3 खाने के तरीके बता दिए मैं, हैं क्या बोला मैं, या तो कच्चा खाओ, या दूध में उबाल कर खाओ, या उसका पाउडर बनाए खा सकते हो, या फिर इसको पानी में रात को भिगो दें और सुबह निकाल के फूल जाता है, सूख जाएगा, उसको चबा चबा के आप खा सकते हो। तो दोस्तों क्या बोला मैं, शुगर के मरीज इसे कतई ना खाएं। दोस्तों खजूर उम्दा किस्म का धातु पौष्टिक का काम करते हैं। जिन लोगों का धातु कमज़ोर हो, सिर पतंग की बीमारी हो, धातु पतला हो, मतलब धातु के रोगी इसे खा सकते हैं, बहुत ही बेजोड़ फायदा करता है। उसे रात को पानी भिगो दें, सुबह इसको चबा के खा जाए, खाली पेट ऊपर एक गिलास ठंडा दूध पी लें, बहुत ही बढ़िया उम्दा किस्म का ये धातु पौष्टिक, धातु वर्धक और धातु का रक्षा करने वाला प्रोडक्ट है, ये भोजन है, ठीक है। इसे हार्ट के मरीज खाएं तो बहुत ही फायदा करता है। दोस्तों इसमें मात्र 4% इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन पाया जाता है, जो हार्ट के रोगी के लिए नुकसान नहीं करता, अतः हार्ट के रोगी इसे निसंकोच खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन के मरीज भी इसे खा सकते हैं। सुबह सुबह चबा खाएंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी कुछ दिनों में दूर हो जाता है, ठीक है। यदि गर्भवती माँ इस छुहारे को खाती है पानी भिगो के सुबह या दूध उबाल करके, तो बहुत ही उसके लिए हेल्थफुल है। RBC बढ़ाता है, रेड खून लाल खून बढ़ाता है, बच्चे को पोषण देता है, और माता और बच्चा दोनों ही, जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ और निरोग और तगड़े हेल्दी बने रहते हैं, और बच्चा भी तगड़ा पैदा होता है, ठीक है। फायदा खजूर के दोस्तों, यह आयुवर्धक, आयु को बढ़ाता है। दोस्तों शरीर में हर अंग को पुष्ट करता है, ताकत देता है, बल वृद्धि मज्जा वृद्धि करता है, तो इससे आदमी की आयु बढ़ जाती है, अतः हर व्यक्ति को चाहिए खजूर का सेवन करना चाहिए, ठीक है। बढ़िया फायदा होता है, खून नया खून का निर्माण तेजी में करता है, ठीक है। बताया ना, शुगर का मरीज इसे नहीं लें, नहीं तो उनको शुगर बढ़ सकता है, ठीक है। पानी भिगो के लेना है बता दिया दोस्तों। यह आयु को बढ़ाता है, धातु को पुष्ट करता है। दोस्तों इसके ये 6-7 फायदे बता दिए, यदि आप लोग इसका पालन करोगे गारंटी आप लोगों को ऐसी बीमारियां नहीं होंगी, होगी तो दूर हो जाएंगी और काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। यदि आप लोग हमारा ये वीडियो चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।